होलसेल व्यापारी कैसे अपने स्टाफ को हायर करें। हायरिंग के 7 स्टेप्स जिनको फॉलो कर आप हमेशा अपने बिजनेस के लिए सही कैंडिडेट चुनेंगे। हायरिंग के इन 7 स्टेप्स को हम 2 भागों में जानेंगे, जिससे हम आपको विस्तार से हायरिंग प्रोसेस के बारे में समझा सकें। अक्सर व्यापार में ये समस्या आती है कि कैसे एक सही व्यक्ति को जॉब पर रखें जो आपके बिजनेस को सही दिशा दे सके, साथ ही जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में समझने में मदद कर सके। तो आज का ये वीडियो इसी बात पर आधारित है कि आप अपने व्यापार के लिए सही कैंडिडेट कैसे चुने, कैसे जाने जिस व्यक्ति को आप हायर कर रहे हैं वो अपने काम में दिलचस्पी लेगा या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप हायरिंग टिप्स प्रोसेस। प्रिपेयर, प्लान एंड प्रोसेस। प्रिपेयर, प्लान एंड प्रोसेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिससे आपको विस्तार में समझ आ सके कि आपको हायरिंग का पहला स्टेप कैसे उठाना है। पहला चरण, हायरिंग से पहले आप जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन आदि के बारे में विस्तार से लिख लें, यानी कि आपको किस काम के लिए हायरिंग करनी है उसके बारे में अपना प्लान बनाएं। हायर किए गए व्यक्ति का क्या काम होगा वो डिसाइड करें, साथ में उस काम को करने का प्रोसेस क्या होगा वो भी लिखें। याद रखें, बिना किसी प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग के अगर आप किसी को हायर करते हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके वहां सही से काम ना करे, वो 9 to 5 वाली जॉब समझकर आए और जाए। इसके लिए आवश्यक है कि हायरिंग करते समय जॉब इन्फॉर्मेशन विस्तार से लिखें, जैसे जॉब टाइटल, पे ग्रेड, रिपोर्टिंग पर्सन, शिफ्ट टाइमिंग, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। दूसरा चरण, जॉब इन्फॉर्मेशन के बाद आता है जॉब समरी। जब भी आप हायरिंग करें तो जॉब समरी अवश्य लिखें, क्योंकि यह जॉब क्योंकि सामने वाले को करनी है, इसका महत्व क्या है, इसके लिए जॉब पर्पस, जॉब इम्पोर्टेंस जरूर लिखें, जिससे जॉब अप्लाई करने वाले व्यक्ति को जॉब की वैल्यू और कॉन्ट्रीब्यूशन का महत्व पता हो, जिससे वो जॉब को सिग्निफिकेंस कर सके। तीसरा चरण, जॉब इन्फॉर्मेशन के बाद आता है जॉब चैलेंजेस एंड हायरिंग लेवल। इसके लिए आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपके बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते और उन चैलेंजेस के हिसाब से कैंडिडेट में क्या स्किल होनी चाहिए। इसके बाद हायरिंग के समय आपको उस कैंडिडेट के साथ डिस्कस करना है, जैसे डेडलाइन, पंक्चुअलिटी, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी आदि। हायरिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में काम के लिए कैसे व्यक्ति डिवाइड होंगे और दूसरी कंपनियों में कैसे डिवाइड होते हैं। यहाँ हम 4 भागों में काम को डिवाइड कर रहे हैं, जो हर कंपनी में होता है। आप अपनी दुकान, स्टोर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन से लेवल पर काम करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, डिपार्टमेंट, CEO। साथ ही हम उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के बारे में भी ध्यान देंगे, जैसे एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ओवरऑल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज आदि। आपके बिजनेस में जिस चीज की अधिक आवश्यकता हो आप उस पर ज्यादा फोकस करें। जब आप हायरिंग के लिए किसी व्यक्ति से बात करें तो वर्किंग कंडीशन के बारे में भी बात करें, जैसे दुकान में आने का समय, जाने का समय, काम करने के घंटे, लंच, टी ब्रेक आदि। अगर उस व्यक्ति को काम के सिलसिले में बाहर आना जाना है तो उसके बारे में भी, साथ ही लोकेशन भी। इंटरनल प्रमोशन और एक्सटर्नल हायरिंग। यदि आपके दुकान या स्टोर में पहले से ही कर्मचारी काम कर रहे हैं और आपको कोई लीडरशिप की पोजीशन के लिए किसी को हायर करना है, तो ऐसे में आप ये सोच लें कि आपके यहाँ काम कर रहे किसी कर्मचारी को प्रमोशन देकर ये जिम्मेदारी देनी है या फिर बाहर से किसी को हायर करना है, इसके बारे में आपको अच्छे से सोचना समझना पड़ेगा। याद रखें, कई बार ऐसा होता है कि आपकी शॉप की टीम में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मेहनत भी करता है, दिन प्रतिदिन सेल बढ़ाने के टिप्स भी लाता है, टीम को मैनेज करके भी चलता है, साथ ही आपकी शॉप के टीम मेंबर उस व्यक्ति को पसंद भी करते हैं। ऐसे में प्रमोशन के समय यदि आप उसे नजरअंदाज करके किसी और व्यक्ति को हायर कर लेते हैं तो ऐसे में टीम टूटने का डर बना रहता है। तो आपको इन परिस्थितियों से बचने के लिए इंटरनल ज्ञान होना जरूरी है कि किस व्यक्ति में क्या स्किल्स हैं आदि। कल्चर फिट। ध्यान दें, जब भी आप हायरिंग का प्रोसेस शुरू करें तो अपनी शॉप, स्टोर या फिर कंपनी के कल्चर को ध्यान में जरूर रखें, काम करने के तरीकों पर फोकस करें। साथ ही जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो उस व्यक्ति को पूरे विस्तार से अपनी शॉप, स्टोर, कंपनी के कल्चर के बारे में जरूर बताएं। अगर आप इस बात को नजरअंदाज करते हैं तो कई बार आप ऐसे व्यक्ति को ले आएंगे जो आपके कामकाज का माहौल खराब कर देगा और दूसरों को भ्रमित करेगा। तो दोस्तों,
ये थे हायरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें वो टिप्स। इस वीडियो में हमने आपको हायरिंग के 3 स्टेप्स के बारे में बताया है। आने वाले वीडियो में हम हायरिंग के 4 स्टेप्स को विस्तार से कवर करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि होलसेल व्यापार के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं आदि। धन्यवाद। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।